नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। भोजपुरी गायक पवन सिंह, उनके समर्थक उन्हें पावर स्टार बोलते हैं। अच्छे कलाकार हैं, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पवन सिंह ने एक साथ बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया है और उनमें से कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पंगा लिया है क्योंकि पहले बीजेपी के पास आए, बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी का टिकट लौटा दिया, आहत कर दिया है और बंगाल में आहत कर दिया, जहां की लड़ाई मोदी और अमित शाह के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई है। पवन सिंह ने पंगा ले लिया है बिहार में नीतीश कुमार के साथ, वहां के मुख्यमंत्री हैं। पवन सिंह ने पंगा ले लिया चिराग पासवान के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतनराम मांझी के साथ। सारे नेता, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर बीजेपी के नेता हो, जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, सारे लोग इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी तरह इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दें। लेकिन पवन सिंह उन सबके खिलाफ चले गए। पवन सिंह का काराकाट से निर्दलीय खड़ा होने का मतलब ही है कि एनडीए को हरवाने के लिए वो खड़े हुए हैं। पवन सिंह का कैलकुलेशन ये है कि अगर हम राजपूत, भूमिहार और कुछ सवर्ण वोटों को काट सकें तो उपेंद्र कुशवाहा को हरवा देंगे, क्योंकि ये जातियां आम तौर पर एनडीए की या बीजेपी की पारंपरिक रूप से समर्थक जातियां रही हैं। लेकिन इस बार पवन सिंह ने जो दो दिन पहले जो पंगा लिया है, ये पंगा उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। आरके सिंह हैं आरा से बीजेपी के सांसद, वो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं और मोदी सरकार के पहले हिस्से यानी मोदी पार्ट वन में वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी थे। और इस देश के गांव में जो बिजली पहुंची है, गांव गांव बिजली, उसे साकार करने का श्रेय आरके सिंह को जाता है। आरके सिंह गंभीर व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस के मामले में उनसे बेहतरीन अफसर उस जमाने में नहीं हुआ करता था। उनका अपना नेटवर्क है पूरे देश में और वो खुफिया इनपुट्स जुटाने में माहिर हैं। पवन सिंह के बारे में आरके सिंह ने एक गंभीर बात कही। उन्होंने आमतौर पर जो राजनीतिक भाषा में बोली जाती है कि पवन सिंह निर्दलीय हैं, हमारा वहां से ऑफिशियल कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा का विरोध मतलब नरेंद्र मोदी का विरोध, मतलब एनडीए का विरोध, मतलब नीतीश कुमार का विरोध। तो पवन सिंह से हम आज भी कहेंगे कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, किसी के बहकावे में अगर आप निर्दलीय खड़े हुए हैं तो मान जाइए। इस तरह की बातें कही आरके सिंह ने। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आरके सिंह ने पवन सिंह के बारे में क्या कहा। ये हमारे पार्टी का मानना है, या तो वो बैठ जाए या नहीं तो उनको डिस्कशन करना समुचित होगा। यही हम लोग पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है। हम लोग के कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट कौन है, कौन है एनडीए कैंडिडेट, कौन है, उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है, हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारा विरोधी है, स्पष्ट है। हमारे कैंडिडेट कौन है, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है, हमारे पार्टी का विरोधी है, नरेंद्र मोदी का विरोधी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो किसका हाथ मजबूत होगा, नरेंद्र मोदी। हाँ, तो किसकी संख्या बढ़ेगी, एनडीए की बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी की बढ़ेगी। वही तो सुना आपने, आरके सिंह ने समाज के एक वरिष्ठ होने के नाते, या फिर जिस पद पर वो रहे हैं, गंभीर व्यक्तित्व, उस नाते पवन सिंह को समझाया। और आरके सिंह ये भी कहते रहे कि आप बरगला नहीं सकते, आप खुद को मोदी का भक्त बताकर और खुद को राष्ट्रवादी बताकर आप एनडीए का विरोध नहीं कर सकते। आप खुद को राष्ट्रवादी भी कहते हैं और जो राष्ट्रवादी गठबंधन उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। आरके सिंह ने समझाया था, पर पवन सिंह पता नहीं किस धुन में है, उन्होंने आरके सिंह को क्या कुछ जवाब दिया है, पहले आप खुद सुने। पूरे हिंदुस्तान से कोई साउंड पवन के कान में ना आया और ना ही दिखा, लेकिन आरके सिंह जी के हम एक छोटा सा इंटरव्यू देख ली है। मैं आरके सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन
जिस तरीके से जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं कि मैं क्या कर लूं, नहीं तो ये किया जाए, तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ कि जैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हो। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब इसके आगे मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी हमारी जनता समझदार है। आपने मेरे से पूछा पवन सिंह या तो बैठ जाए। जिस बेटे को मां ने आशीर्वाद देके भेजा हो वो बेटा के कैसे के हो बैठा सकेला। तो मेरी मां ये बोल के भेजी है कि पवन को मैं आज भी मारती हूं और आज से मैं अपना बेटा काराकाट को सौंप रही हूं। तो पवन अगर गलती करेगा तो आप सब भी पवन का कान पकड़ेंगे और इसको समझाएंगे कि बेटा ये करना है ये नहीं करना है। तो मेरा जीवन ही काराकाट के नाम हो गया है सर। काराकाट की जनता पवन की मालिक है और काराकाट की जनता ही डिसाइड करेगी कि पवन उठेगा या बैठेगा या क्या करेगा। तो देखा आपने, पवन सिंह सीधे आरके सिंह को ही चैलेंज कर बैठे, और जो बिहार के क्षत्रिय राजनीति को जानते हैं, जो राधा मोहन सिंह, जो कि आरके सिंह या फिर जो राजीव प्रताप रूड़ी, इस तरह के जो क्षत्रिय नेता जो एनडीए में हैं उनको जानते हैं, वो साफ साफ बोलेंगे कि पवन सिंह आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इस दौर में, इस तरह के चुनाव में मोदी की खिलाफत करना, और वो भी नए नए आए हुए राजनीतिज्ञ के द्वारा, भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक और है फीडबैक काराकाट से कि पवन सिंह के साथ घूमने वाले अधिकतर लोग नौजवान हैं, वैसे स्कूल कॉलेजों से निकले हुए युवा, उनमें से बहुत की उम्र 18 साल भी नहीं हुई है, वो वोटर नहीं है, लेकिन पवन सिंह के गानों के इन्फ्लुएंस में आकर, उनके फिल्मी डायलॉग्स के इन्फ्लुएंस में आकर, उनके रील्स बना रहे हैं वो, उसको उसके इन्फ्लुएंस में आकर बहुत सारे लोग, बच्चे इनके साथ घूम रहे हैं, तो पवन सिंह को ये ऐसा लगता है कि उनके पीछे बहुत बड़ा जनसमर्थन है। लेकिन ज़मीन पर जो आकलन है वो कह रहा है कि पवन सिंह को 50,000 वोट भी आ जाए तो काराकाट के इतिहास के लिए आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि उस इलाके में, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे गया हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे काराकाट हो, चाहे बक्सर हो, चाहे रोहतास हो, कोई निर्दलीय नहीं जीता कभी। और ये तो अभी अभी राजनीति में आए हैं, जो दशकों से राजनीति में वहाँ मरे खपे वो भी निर्दलीय नहीं जीत सके लोकसभा चुनाव। तो पवन सिंह तो आरा के रहने वाले हैं, वो तो काराकाट अभी अभी आए हैं चुनाव की घोषणा के बहुत बाद, तो ये रिस्क फैक्टर है। हमारे पास जो सूचना है, आज भी एनडीए के बहुत सारे लोग पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम अंतिम समय में आप विड्रॉ कर जाओ, नहीं अगर विड्रॉ नहीं किया तो चुनाव के बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, पूरा भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री, पवन सिंह ने बहुत कोशिश की, कोई भी पवन सिंह के समर्थन में प्रचार में उतरने को तैयार नहीं है। आम्रपाली दुबे से उन्होंने कांटेक्ट किया, या इनके साथ के जो कलाकार हैं जैसे निरहुआ हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, खेसारी लाल यादव हैं, तो पहला जो तीन है, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, वो तो ऑलरेडी बीजेपी में है, वो आएंगे नहीं। खेसारी लाल यादव ने भी मना कर दिया, आम्रपाली दुबे ने भी मना कर दिया, तो भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री भी पवन सिंह के साथ नहीं है। उनका अपना समाज, जैसे आरके सिंह का विरोध कर दिया उन्होंने, या बगल में सुशील सिंह जो हैं वो खड़े हैं बीजेपी के, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो भी इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। पवन सिंह का आधार क्या है, वो किस ताकत की बदौलत लड़ रहे हैं काराकाट से, ये समझने की जरूरत है पवन सिंह के समर्थकों को भी या खुद पवन सिंह को भी। जब बात क्षत्रिय राजनीति या राजपूत की राजनीति पे आई है, तो अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, आपको पता होगा कि मौजूदा वक्त में एक क्षत्रिय आंदोलन शुरू हुआ पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से, गुजरात के जामनगर से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने 6 जनसभाएं की गुजरात में, लेकिन इन जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने क्षत्रिय आंदोलन का एक बार भी नाम नहीं लिया। जब प्रधानमंत्री जामनगर में
जनसभा करने जा रहे थे तो वो जाम साहब के पास पहुंच गए। वहां के राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं और बहुत मान सम्मान है जाम साहब का। जाम साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पगड़ी पहनाई और उसी पगड़ी को पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर की सभा में पहुंचे और उन्होंने उस सभा में क्या कुछ कहा गुजराती में कहा है। उन्होंने कहा कि जिसके सर पे जाम साहब की पहनाई हुई पगड़ी है उसे भला कौन क्षत्रिय आशीर्वाद नहीं देगा। और इस जनसभा के बाद जितने भी क्षत्रिय राजा हैं गुजरात के उन सब ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की चिट्ठी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते। सभी क्षत्रिय राजाओं ने लिखा है, गुजरात के 16 क्षत्रिय राजाओं ने एक साथ उस चिट्ठी को रिलीज किया तो गुजरात में सॉल्व कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा राजनाथ सिंह काफी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर वो असंतोष खत्म कर दिया गया। सिर्फ दो सीटें पूरे देश में मुझे ऐसी आ रही है जहां के क्षत्रिय बीजेपी को हराने की बात करते दिखे, सभी नहीं, एक छोटा सा तबका, एक जैसलमेर बाड़मेर में रविंद्र भाटी के समर्थक और दूसरे बिहार के काराकाट में पवन सिंह के समर्थक। इन दो सीटों पर क्या असर होगा या उत्तर भारत की क्षत्रिय राजनीति पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।